आप जब भी ऑनलाइन कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो देखते ही होंगे होइएगा कि वो रार फाइल या जीप फाइल में डाउनलोड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सिक्योर और सेफ है। जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो आप देखते होंगे अधिकतर लैपटॉप से कि वो रार फाइल या जीप फाइल में डाउनलोड हो जाता है। तो वो होता कैसे है? क्योंकि वो बहुत ही सिक्योर और सेफ है। क्योंकि अगर आपको किसी फाइल में ये डाउनलोड होता है तो उतना सिक्योर और सेफ नहीं है जितना रार फाइल में और जीप फाइल में ये सिक्योर और सेफ होता है। तो मैं आज आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ डिटेल से। तो सुगज मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताऊँगा कि आप रार फाइल या जीप फाइल में कोई भी फाइल को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों में रार फाइल और जीप फाइल में हम बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप कोई भी फोल्डर हो या कोई भी फाइल हो उसको हम रार फाइल में या जीप फाइल में किस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे क्योंकि आज हम आपको डिटेल से बताया हूँ कि किस तरीके से आप रार फाइल और जीप फाइल में कोई भी फाइल को आप जनरेट करेंगे, वो भी एक सिंपल सी सॉफ्टवेयर के हेल्प से। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जीप और रार फाइल को ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर छोटा सा है देखिए 5 MB का, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो विन रीडर करके है। तो यहां से आप उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे इसमें जो है के की टोटल सिक्योरिटी में हैड हो चुका है तो यहां पर शो नहीं कर रहा है। तो आप वो ये वाला जो है सॉफ्टवेयर, आपको ये वाला सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने डेस्कटॉप पर। मैं ये विन रार का जो लिंक है मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से जाने के बाद भी आप डायरेक्ट इस पेज पर आइएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ तो मैं यहाँ पर शो कर रहा है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको फाइल को एग्जिट फाइल में या रार फाइल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको कोई एग्जिट फाइल या रार फाइल को मैं आपको कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे दोनों फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। जैसे ही आप फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर दो फाइल को सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसका सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड टू आर्काइव, सिंपली इस पर क्लिक करना है। या आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सेंड टू पे जाके यहाँ कंप्रेस टू जीप फोल्डर में जाके इसको भी यहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन आप रार फाइल बनाना चाहते हो सिंपली ऐड टू रार फाइल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो ध्यान रखिए आपको जो ये जो ऑप्शन है आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही मिलेगा, तो इससे पहले आपको नहीं मिलना है। तो सिंपली आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रार फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप रार चाहते हैं, RAR4 चाहते हैं या जीप फाइल चाहते हैं, अब जो भी चाहते हैं इसको सिंपली आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली अगर जीप चाहते हैं तो सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको ये दोनों फाइल जो है यह जीप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फाइल जीप फाइल में कन्वर्ट हो गया। आपको इसको ओपन कर लेके ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ओपन होते ही यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंदर के साइड में आपको यही दोनों फोल्डर मिलेंगे जो फोल्डर हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए, वही दोनों फोल्डर new www और राजा के नाम से है। तो यहाँ पर देख लीजिए new www और राजा के नाम से यही दोनों फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं, सिंपली इसको डबल क्लिक कीजिए और देखिए ये रहा, ये आपका जीप फाइल यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली आपको ये फाइल को क्या करना पड़ेगा, यूज करने के लिए आपको ये फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट टू, तो आपको सिंपली ये जो एक्सट्रैक्ट टू को ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से जैसे ही आप यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने का सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आपका डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा। तो ये फाइल आपको एक्सट्रैक्ट होकर आपका डेस्कटॉप पे आ गया होगा। मैं यहाँ से आपको यहाँ ये फाइल दिखा देता हूँ, तो आप ये फाइल को यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइल एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ चुका है जिसके अंदर में पिक था। तो आप इस तरीके से दोनों फाइल को इस तरीके से ला सकते हैं। अगर आपको रार फाइल को ओपन करना तो ध्यान रहे कि जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया वो सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल करना ही पड़ेगा।
सो गाइस देखा कि इतना आसानी और सिंपल तरीके से हम रार फाइल और जी फाइल को कन्वर्ट किए एक सिंपल से सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो आप भी कोई भी जो फाइल हो उसको बहुत ही आसानी से आप रार फाइल या जी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो छोटी सी एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।